गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ रजनी, आपकी फ्रेंड और वेलविसर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस स्क्रब, DIY फेस स्क्रब। ये बहुत ही इफेक्टिव और आपको बहुत ही अच्छे से आपके जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करता है। मैं वीक में एक बार जरूर ये स्क्रब को यूज़ करती हूँ, और जब भी जब पार्टी से आती हूँ और हैवी मेकअप करती हूँ तो उसके बाद ये मेकअप रिमूव करने के लिए मैं ये स्क्रब का यूज़ करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये स्क्रब कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए सिर्फ आपको दो ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। एक है पतंजलि एलोवेरा जेल, ये प्योर पतंजलि एलोवेरा जेल है। इसकी जगह पे आप प्लांट, जो ओरिजिनल प्लांट की जेल होती है एलोवेरा जेल, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो उसकी जेल रिमूव करके। दूसरा मैंने लिया है राइस फ्लावर, ये घर पे बनाया हुआ राइस फ्लावर है, आप इसे घर पे बना सकते हो। 1 टेबलस्पून राइस को आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लो ग्राइंडर पे और इसका पाउडर बना लो। ये इस फॉर्म में आपको बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए 1 टेबलस्पून फ्लावर में, राइस फ्लावर में एलोवेरा का जेल आपको 1 टेबलस्पून लेना है। इसे मिक्स करने के लिए एक इस टाइप के ब्रश की हेल्प से आप इसे मिक्स कर लो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। या आपकी स्क्रब रेडी है, ये कुछ इस तरह से लगेगी। इसे और अच्छी तरह से मिक्स कर लें जब तक कि ये राइस फ्लावर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो रेडी हो गया है हमारा फेस स्क्रब, ये हो गया है और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा। इसे आप अपने फिंगर टिप्स से ले लो और इसे अच्छे से अपने फेस पे रब करो। इसे याद रखो, इसे सर्कुलर मोशन में ही रब करना है। इसे अच्छे से रब करो। इसे 5 मिनट तक रब करना है, लेकिन ध्यान रखना है गाइस, इसे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देके रब नहीं करना है, बहुत ही लाइटली हैंड से इसे प्रेस करना है और रब करना है आइस पे, क्योंकि आइस पे भी आपके डेड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो इसे अच्छे से रब करें। अब इसे अच्छी तरह से वेट होने दें, अच्छे तरह से सूख जाने दो। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। या ये फेस स्क्रब अच्छे तरह से सूख गया है गाइस, अब इसे मुझे वॉश कर लेना है। मैं वॉश करके आती हूँ। मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है और देख सकते हैं गाइस, इतना सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन हो गया है मेरा और बहुत ही अच्छे तरह से क्लीन हुआ है फेस। अब आपको एक काम करना है, इसे अच्छे से रैप करते हुए अपने फेस को अच्छे से स्ट्रोक कर ले जितने भी पार्ट। मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है गाइस, आप देख सकते हो बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है और जितने भी डेड सेल्स थे, डेड स्किन थे, वो सारे रिमूव हो गए मेरे फेस से और कितना ग्लोइंग हो गया है मेरा फेस। ये इसे आप ज़रूर ट्राई करना घर पे। तो वेट क्यों कर रहे हो, अभी भागो और इसे ट्राई करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये मेरा फेस स्क्रब आपको कैसा लगा, DIY फेस स्क्रब कैसा लगा। ये बहुत ही मुझे बहुत ही लाइट फील करा रहा है और मेरे डेड सेल्स को सारा रिमूव कर दिया है। ये बहुत ही जल्दी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है आपकी फेस को और अच्छे से क्लीन करता है। तो जब भी आप इसे यूज़ करो तो 4 to 5 मिनट ही आप इसे स्क्रब करो, देन आप रिमूव कर दो। जब भी कभी भी आप हैवी मेकअप कर लेते हो, पार्टी के बाद आने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। फेस को क्लीन करने के बाद आप अपने फेस पे रोज़ वाटर अच्छे से स्प्रे कर लें। रोज़ वाटर आपके फेस के लिए टोनिंग का काम करेगा और जो भी आपने स्क्रब में रबिंग किया है, अपने फेस को रब किया है, वो थोड़ा सा हार्म हो जाता है। तो ये आपको गुलाब जल जो है ये इसे सॉफ्ट रखेगा और प्रोटेक्ट करेगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।